प्रदेश के लिए आज की बड़ी खबर है, धौलपुर टाइगर रिजर्व होगा प्रदेश का पांचवा टाइगर रिजर्व। एनटीसीए से आज अंतिम मंजूरी मिली है। मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक अरिंदम तोमर की मेहनत यहां पर रंग लाई है। तोमर के कार्यकाल का ये दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। तोमर के कार्यकाल में ही बने हैं 16 कंजर्वेशन रिजर्व और एक और उपलब्धि इनके खाते में जाती हुई नजर आ रही है। प्रदेश के लिए आज की ये बड़ी खबर है, जहां धौलपुर टाइगर रिजर्व अब प्रदेश का पांचवा टाइगर रिजर्व होगा। एनटीसीए से आज ही इसे अंतिम मंजूरी मिल गई है। मुख्य वन जीव प्रतिपालक अरिंदम तोमर की मेहनत यहां पर रंग लाई है। तोमर के कार्यकाल का ये दूसरा टाइगर रिजर्व है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल, बेहद अहम है जहां पांचवा टाइगर रिजर्व के तौर पर जाना जाएगा धौलपुर टाइगर रिजर्व को। निश्चित तौर पर श्वेता, आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप भी लगातार जिस तरह से धौलपुर टाइगर रिजर्व और अन्य टाइगर रिजर्व को लेकर लगातार खबरों को शेयर करती रही हैं। देखिए श्वेता, बड़ी बात ये थी कि हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि जिस तरह से बाघों की संख्या प्रदेश में बढ़ रही थी, तो नए टाइगर रिजर्व भी बने। और फर्स्ट इंडिया न्यूज लगातार इस सरोकार को निभाता भी रहा और इस प्रयास में था कि लगातार धौलपुर को लेकर के मुहिम छेड़ी जाए। और उसका नतीजा ये निकला कि आज एनटीसीए ने धौलपुर टाइगर रिजर्व को प्रदेश के बतौर पांचवें टाइगर रिजर्व के बतौर इसको आज अंतिम अनुमति दे दी है। यानी कि अब धौलपुर प्रदेश का पांचवां टाइगर रिजर्व बन गया और एकमात्र ऐसा टाइगर रिजर्व है प्रदेश का नए टाइगर रिजर्व बनने वालों में, जिसमें वहाँ बाघ पहले से बाघ मौजूद है। यानी पांच बाघ अभी धौलपुर में और तीन बाघ करौली क्षेत्र के अंदर मौजूद है। अब करौली क्षेत्र की दामो जो एक रेंज है उसको जल्दी ही सेंचुरी के तौर पर भी उसकी घोषणा की जाएगी। उसके बाद करौली का जो पूरा क्षेत्र है इस टाइगर रिजर्व में बन जाएगा। निश्चित तौर पर अरिंदम तोमर जो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक है, उनके कार्यकाल का दूसरा टाइगर रिजर्व, 16 कंजर्वेशन रिजर्व भी उनके कार्यकाल में बने, तो उनकी मेहनत निश्चित तौर पर रंग लाई है। अनिल यादव जो वहाँ के डीसी है, उनको जिम्मेदारी दी गई थी टाइगर रिजर्व बनने से पहले की धौलपुर में मॉनिटरिंग प्रॉपर की जाए। पिछले दिनों टाइगर से 117 तीन शावकों के साथ नजर आई। तो निश्चित तौर पर एक धौलपुर एक ऐसा सघन जंगल है जो हमारे राजस्थान में, जो अगर धौलपुर क्षेत्र की बात करें तो वहाँ के फ्लोरा और फौना को निश्चित तौर पर और वहाँ विकसित करने की भी जरूरत है। वहाँ नए ग्रास लैंड भी विकसित किए जाएंगे। और देखिए जिस तरह से श्वेता इस समय, क्योंकि राजस्थान एक बाघिस्तान के तौर पर एक पहचान अपनी बनाता जा रहा है, कैलाश सांखला का प्रदेश है जिन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था, तो निश्चित तौर पर एक अच्छी पहचान यह है कि पिछले वर्ष जुलाई के अंदर रामगढ़ विषधारी को प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया था। ठीक एक साल बाद अब धौलपुर पांचवां टाइगर रिजर्व के तौर पर आज घोषित हुआ है। और जल्द ही उम्मीदें की जा रही है कि कुंभलगढ़, जिसको भी पिछले दिनों जिस तरह से अनुमति मिली थी, सैद्धांतिक मंजूरी दी थी एनटीसीए ने जो तकनीकी समिति में, तो निश्चित तौर पर वो भी छठा टाइगर रिजर्व होगा। तो वृहद टाइगर कॉरिडोर, और जिस तरह से दुनिया को हमने बताया कि बाघ संरक्षण क्या होता है, और उस बाघ संरक्षण की दिशा में राजस्थान में प्रयास बहुत तेजी से हुए हैं। और निश्चित तौर पर धौलपुर अगर पांचवा टाइगर रिजर्व बना है तो पूरी टीम फॉरेस्ट को उसके लिए बधाई। एसीएस शिखर अग्रवाल उत्साहित है, उन्होंने भी ट्वीट करके अभी कुछ देर पहले ये सूचना शेयर की है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा एक टाइगर रिजर्व होगा जो न केवल रणथंबोर को, धौलपुर करौली को, रणथंबोर को जोड़ते हुए और इसके बाद रामगढ़ विषधारी को जोड़ते हुए मुकंदरा तक पहुंच रहा है। तो एक बृहद कॉरिडोर होगा जिसके अंदर 120 बाघों की फिलहाल अभी प्रेजेंस है इस पूरे कॉरिडोर के अंदर। और जिस तरह से रामगढ़ विषधारी में बाघिन शावकों के साथ दिखाई दी है, मुकंदरा में अभी बाघिन शिफ्ट की गई है, धौलपुर में बाघिन ने शावकों को जन्म दिया है, रणथंबोर में लगातार जिस तरह से रणथंबोर सरिस्का में बाघिनों ने शावकों को जन्म दिया है, तो ये वापस से एक बाघ संरक्षण की दिशा में राजस्थान मजबूती से अपना एक स्थान बनाता जा रहा है। देश के जो अग्रणी जो टाइगर रिजर्व है, जो जहाँ बाघ संरक्षण के काम हो रहे हैं, वहाँ निश्चित तौर पर राजस्थान भी उनमें टाइगर रिजर्व में एक के बाद एक पायदान आगे बढ़ता जा रहा है राजस्थान, और ये नजर भी आ रहा है, ये मेहनत सभी की रंग ला रही है निर्मल जी। लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कैला देवी को भी जल्दी सेंचुरी घोषित की जाएगी इसके। कैला देवी जी श्वेता, कैला देवी का कुछ जो पार्ट है वो पहले से सेंचुरी के तौर पर वो अधिसूचित है, लेकिन उसको पूरा जब तक उसको शर्त यही रखी थी एनटीसीए ने कि करौली का जो पूरा पार्ट है उसको भी सेंचुरी के तौर पर, तो दामोह जो जगह है उसको भी सेंचुरी के तौर पर अधिसूचित किया जाएगा। तो करौली का जो पूरा जो क्षेत्र है वो एक सेंचुरी के तौर पर जब उसको अगर वो घोषित हो जाएगा तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बाघ संरक्षण के काम और तेजी से हो सकेंगे श्वेता। और अच्छी बात यह है कि अब जैसे ही अब क्योंकि आज घोषणा हुई है इसकी पांचवा टाइगर रिजर्व के तौर पर, तो वहाँ किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था होगी, किस तरह का प्रशासनिक ढांचा होगा, किस तरह से वहाँ पर बजट दिया जाएगा, किस तरह से वहाँ पर और रिलोकेशन की बात है, खासकर अगर प्रेबेस की बात करते हैं तो प्रेबेस को बढ़ाने के लिए किस तरह से वहाँ पर चिंकारा या चीतलों का जो हम रिलोकेशन की बात करते हैं वो वहाँ रिलोकेशन होगा। तो निश्चित तौर पर काम बहुत सारे होने हैं, लेकिन जिस तेजी से एक साल के अंदर दो टाइगर रिजर्व अगर घोषित करवा सका है राजस्थान, तो निश्चित तौर पर सूबे के मुखिया अशोक गहलोत को उसका क्रेडिट जाता है। उसके अलावा जितने भी जो वन्यजीव प्रेमी है, इधर अगर हम दिया कुमारी का नाम लेना भी जरूरी है, तो लगातार कुंभलगढ़ के लिए प्रयास कर रही है, संघर्ष कर रही है, तो उनकी भी जल्दी ऐसा लगता है कि उनकी भी जीत होगी और
कुंभलगढ़ छठे टाइगर रिजर्व के तौर पर होगा, तौर पर रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन फिलहाल अगर स्थिति की हम बात करें तो पहली ऐसा गवर्नमेंट है ये प्रदेश सरकार की जिसके कार्यकाल में, एक ही कार्यकाल में दो टाइगर रिजर्व अधिसूचित हुए हैं। और निश्चित तौर पर वहाँ पर टाइगर रिलोकेशन के साथ साथ वहाँ पर जो टाइगरों ने ब्रीडिंग भी करना शुरू कर दिया, मतलब रामगढ़ भिजदारी में भी कुछ दिनों पहले टाइगर ने ब्रीडिंग किए, अब धौलपुर टाइगर रिजर्व घोषित होने से पहले वहाँ टाइगर से 317 ने अगर ब्रीडिंग किए तो निश्चित तौर पर अच्छे संकेत है। वन्यजीव प्रेमियों में उत्साह का संचार इससे हुआ, निश्चित तौर पर टीम फॉरेस्ट के लिए बधाई की पात्र है। उम्मीद की जानी चाहिए की वहाँ तेजी से बाघ संरक्षण की दिशा में बहुत तेजी से काम। चलिए, बहुत शुक्रिया निर्मल आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।